आप देख रहे हैं नॉर्दर्न टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली के बॉर्डर पर जहां किसान पिछले 3 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, वहीं आज कांग्रेस किसान मोर्चा ने आज दिल्ली के जो एग्रीकल्चर विभाग है उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग यहां पर थाली बजाकर जो है अपना विरोध जो है जता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम ये जो है कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। ये जो कार्यकर्ता है ये एग्रीकल्चर जो कृषि भवन है वहाँ की ओर जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा उनको यहीं पर रोक लिया गया है। लगातार ये लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हो आप लोग? हम उत्तराखंड से आए हैं, हरिद्वार से। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग ये, 3 काले कानून वापस होने चाहिए। इतनी महंगाई चरम पे पहुँच गई है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। जो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री से नहीं हो पा रहा, आए दिन गरीब मार हो रही है, बहुत नजायज हो रही है। लेकिन सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है जो कानून है ये किसान के फायदे में है, तो किस तरीके से आप लोग अपना विरोध जता रहे हैं? आज तक सरकार खुद अपने आप जो है किसानों का फायदा इन कानूनों में बता नहीं पाई। और अगर सरकार इतनी ईमानदार है तो MSP पे कानून बना के बात क्यों नहीं खत्म करती? इस कानून को सारों को रद्द करके दोबारा से किसानों से बात करके क्यों नहीं बनाती कानून? लेकिन जिस तरीके से नेता बयान दे रहे हैं, जो किसान नेता हैं वो बयान दे रहे हैं कि अपनी जो खेती है उसको बर्बाद कर दो, इस तरीके के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जिसके घर का व्यक्ति मरता है ना, उसको पता चलता है कि उसके नजर में फिर खेती बाड़ी क्या रह जाती है, उसके घर का सारा सामान क्या रह जाता है, उसका खुद का जीवन व्यर्थ हो जाता है। ये तो खेती बाड़ी व्यर्थ करने की बात है। हमारा तो पूरा जीवन किसानों का जो है ये खत्म करने के लिए तैयार है, तो खेती बाड़ी की चीज है, हम तो अपने घर भी फूंक सकते हैं। तो बिल्कुल आप भी किसानों के समर्थन में आयो? बोलिए आज है ये मोदी के जो 3 के 1 कानून है ना, ये खाली है। ये लोग मोदी जी बोलते हैं कि मैं 130 करोड़ जनता के लिए काम करता हूँ, मैं समझता हूँ मोदी जी वो सिर्फ 2 ही लोग के लिए काम करते हैं, वो सिर्फ अडानी और अंबानी है, बाकी तो लोग है। आज देश का 80% जो किसान है वो गरीब पत्ते किसान है, और बाकी जो है जो 10% किसान है वही आवाज़ आवी कर सकता है। मैं कहता हूँ जल्द से जल्द 3 कानून मोदी सरकार को वापिस लेना चाहिए, और लेने चाहिए, एकदम लेने चाहिए। बिल्कुल, तीनों कानून के विरोध में जो है किसान कांग्रेस किसान सेल जो है वो प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो दिल्ली पुलिस है इनको यहाँ पर रोक लिया गया है, और जो जो वो लोग हैं वो है बैरिकेड पर चढ़कर जो कार्यकर्ता है वो अपना विरोध जो है जता रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान लगातार 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उसके सपोर्ट में आज जो कांग्रेस जो किसान मोर्चा सेल है वो सड़क पर उतरा है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।